नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। शिव जिनकी ना शुरुआत है ना ही अंत, वो सबके हैं ना ही इनके उनके। राम भी उनके, रावण भी उनके, जीवन भी उनका, मरण भी उनका। वही शून्य है वही इकाई, जिसके अंदर बसे शिवाय। वैसे तो शिव हर कण में बसे हैं, लेकिन कुछ खास रूपों में और जगहों पे ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। ऐसे ही सहारनपुर शहर के चार कोनों में स्थित हैं चार पवित्र शिव मंदिर, जो शिव के चार भिन्न रूपों को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बागेश्वर मंदिर, जो सहारनपुर की पूर्व दिशा में स्थित है, उसके बारे में जानने के लिए गए। और वहां पहुंचकर मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती थी। वहां पहुंचकर हमने फिर मंदिर के मुख्य पंडित जी श्री माधव प्रसाद पांडे से मंदिर के बारे में पूछा और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने एक किताब भी दी जिसमें मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा था। इस धराधाम की पवित्रम देव नदियां गंगा जी यमुना जी के मध्य है। शाकुंभरी देवी जी का पावन क्षेत्र सहारनपुर महानगर के मध्य स्थित रामणीय राजकीय और दैनिक पक्षत्र कंपनी बाग के अंतर्गत अवस्थित श्री बागेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन सिद्धपीठ चक्रोता रोड सहारनपुर, जिसकी स्थापना और प्रतिष्ठा की कोई वास्तविक तिथि मिति ज्ञात नहीं है, परंतु जनश्रुति के आधार पर और जिन जिन प्रबुद्ध जनों का इस देवस्थान के उत्थान के लिए अतुलनीय योगदान रहा है, उन्हीं के कथा अनुसार मराठा कालीन शासकों के द्वारा शहर की रक्षार्थ शहर के चारों कोणों में अपने आराध्य देव शिव की स्थापना कराई गई, जिसमें पूर्व दिशा में श्री बागेश्वर महादेव, पश्चिम में रानी बाजार स्थित श्री पातालेश्वर महादेव, उत्तर में श्री भूतेश्वर महादेव, दक्षिण दिशा की रक्षार्थ पठानपुरी में श्री पाटेश्वर महादेव, सर्वेदिक रक्षार्थ शहर से 8 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर संकलापुरी ग्राम में श्री संकटेश्वर महादेव जी के रूप में स्थापना की गई। इससे हमें यह पता चलता है कि यह मंदिर मराठा कालीन के युग का है, जो 1674 से लेकर 1818 तक रहा, जिससे पता चलता है कि यह मंदिर 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में अंदर जाते ही आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और बीच में स्थापित है श्री बागेश्वर महादेव। मुख्य मंदिर के ऊपरी तरफ शिव के अनेक रूपों का भी प्रतिरूप दिखाया गया है। मंदिर की भीतरी तरफ श्री माता रानी, साथ ही साथ सूर्य देवता, गुरुवे देवता यानी बृहस्पति, भूमि देवता यानी पृथ्वी, बुद्ध देवता यानी बुद्ध, शुक्र देवता यानी शुक्र,
चंद्रमा देवता यानी चंद्रमा, शनि देवता यानी शनि, केतु देवता यानी केतु और रावे देवता यानी राहु की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ सरस्वती माता की भी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे। मंदिर की दूसरी तरफ आपको शनि देवता, काली माता और साथ ही साथ शिव पार्वती की भी प्रतिमाएं हैं। रात के समय इस मंदिर की खूबसूरती दर्शनीय है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको इस मंदिर के बारे में और जानकारी चाहिए तो बागेश्वर महादेव मंदिर की फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली बार और एक नई वीडियो के साथ।